नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे CEPCI, जो एक RCMC और एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। और अगर आप कैश्यू के बिजनेस से रिलेटेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि आप अगर एक्सपोर्ट, सब्सिडी और फाइनेंशियल टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोज़ के बारे में देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक करके रेगुलर नोटिफिकेशन पा सकते हैं। दोस्तों, आज हम जो वीडियो डिस्कस करेंगे उस वीडियो में क्या क्या एजेंडा है। सबसे पहले आपके सामने देख पा रहे हैं हम लोग CEPCI के बारे में हम बताएंगे, साथ में हम बात करेंगे उसके बेनिफिट्स के बारे में, फिर बात करेंगे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर हैं, गवर्नमेंट स्कीम जो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको दिलाने में हेल्प करता है, फीस क्या होगी इस रजिस्ट्रेशन की और कुछ समरी पॉइंट्स। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना वक्त को खराब किए। सबसे पहले बात करेंगे CEPCI। दोस्तों, इसका 1955 के अंदर गठन किया गया और इसको बनाने के पीछे कारण था कि जो कैश्यू है वो काफ़ी मात्रा में इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो अदर कंट्रीज हैं उनके अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। जनरली जो कंट्रीज हैं वो आपकी गल्फ कंट्रीज और साथ में जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके अंदर इस कैश्यू प्रोडक्ट का और शेयर नट का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। और काफ़ी टाइम से एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो गवर्नमेंट को लगा कि इसके लिए हमें एक प्रॉपर एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनानी चाहिए जो कैश्यू से रिलेटेड और शेयर जो भी कैश्यू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में उसको एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें कैश्यू में टोटल 5 तरह की ग्रेड पाई जाती हैं और भी कई ऐसी ग्रेड हैं लेकिन मोस्टली जो ग्रेड्स हैं वो 5 तरह की डिवाइड की गई है, W180, W210, W240, 320 और 450। जनरली सबसे जो अच्छा कैश्यू होता है वो 180 कैटेगरी के अंदर पाया जाता है। 210, 240, 320 सारी कैटेगरी जनरली इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस की जाती है। और A180 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 180 को कैश्यू ऑफ किंग ऑफ कैश्यू भी बोला जाता है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस लाइन के अंदर जा रहे हैं तो आप ज़रूर 180 को यूज़ कीजिएगा। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी मेंबर फॉर गेट बेनिफिट ऑफ स्कीम। दोस्तों, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये जो अपनी काउंसिल है वो क्या क्या वर्क करती है। एक्सपोर्टर हु आर मेंबर ऑफ एसोसिएट मेंबर। दोस्तों, इस लाइन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कुछ और डिटेल बताना चाहूँगा। इसमें मेंबरशिप दो तरह की है, एक ऑर्डिनरी मेंबरशिप है और एक एसोसिएट मेंबरशिप है। दोस्तों, ऑर्डिनरी मेंबरशिप को आप नाम से आपको ऑर्डिनरी लग रहा होगा लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है। और एसोसिएट मेंबर है वो एक अदर मेंबर के तौर पर काउंट किए जाते हैं। मैं आपको इनकी एलिजिबिलिटी बताऊंगा लेकिन अभी हम लोगों से इतना समझना है कि जो आपके एसोसिएट मेंबर हैं ये थोड़े उसको कम मतलब छोटे लेवल पे मान सकते हैं और जो साथ में ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं इन्हें मेन मेंबर्स यानी जो मेन मेंबर होंगे इस काउंसिल के उन्हें माना जाएगा यानी जो मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आपको जितने भी मेंबरशिप ये एलिजिबिलिटी क्या है, अंडर द एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इज फुलफिल्ड विल बी द एलिजिबल टू रिसीव असिस्टेंस। इसके अंदर दोस्तों दो तरह के असिस्टेंस है। एक पहला है ऑर्डिनरी मेंबर्स के लिए। ऑर्डिनरी मेंबर्स के लिए 33% ऑफ टोटल एलिजिबल इन्वेस्टमेंट की ग्रांट दी जाती है और जिसके अंदर 100 लाख का टोटल इसमें स्लैब लगा हुआ है। और अगर आप इसको क्वालिटी अपग्रेडेशन के लिए यूज करते हैं तो 5 लाख का स्लैब लगा हुआ है। यानी मान के चलिए आपने 1 CR का कोई प्रोजेक्ट लगाया तो आपके जो 1 CR के प्रोजेक्ट जो टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 33% यानी 33 लाख रुपए का आप एक एलिजिबल होंगे ग्रांट लेने के लिए अंडर दिस स्कीम। और लेकिन अगर आप एसोसिएट यानी आप थोड़े छोटे कैटेगरी पे मेंबर हैं तो इस केस में भी आपको 33% ऑफ द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट बट कैपिंग जो लगी हुई है वो 10 लाख रुपए की लगी हुई है। लेकिन साथ में अगर आप क्वालिटी अपग्रेडेशन करते हैं तो उसके लिए जो स्लैब लगेगी वो 2.5 लाख की लगेगी। तो दोस्तों, ये जो बेनिफिट्स हैं वो आपके लिए इस स्कीम में बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं। जनरली एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इस तरह की कोई भी बेनिफिट्स पर्सनली नहीं देती है बट ये जो स्कीम है स्पेसिफिकली अगर आप कैश्यू में डील कर रहे हैं, शेलनट्स में डील कर रहे हैं तो आप इसको फायदा उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन की पार्ट की बात करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से होंगे इसके अंदर, तो आप अगर हम बात करते हैं कि जो भी मेंबरशिप है ये दोनों मेंबरशिप के लिए काम आएंगे, अगर आप एसोसिएट मेंबर हैं और साथ में आप ऑर्डिनरी मेंबर हैं। दोस्तों, ये आप जो भी डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस है, आपके प्रोपराइटर का फर्म का रजिस्ट्रेशन है, आपके बैंक डिटेल है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आपका IC कोड है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा
वो है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपना एक्सपोर्ट का जो अमाउंट है वो सर्टिफाई करवाना होगा। आपको बताना होगा कि आप लास्ट 3 साल के अंदर आपने क्या एक्सपोर्ट किया हुआ है। दोस्तों मैं सर्टिफिकेट की बात इसलिए कर रहा हूँ, इसी के आधार पे आपकी जो मेंबरशिप है वो फिक्स की जाएगी। दोस्तों मैं एक पीपीटी पहले आपको लेना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एसोसिएट मेंबर्स की। एसोसिएट मेंबर्स मैंने जैसे कि बताया जो छोटे लेवल मेंबर्स होते हैं उनकी जो फीस है वो 3,000 रुपये की एंट्रेंस फीस है और 6,000 रुपये की एनुअल फीस है। यानी कि आप लोगों को एंट्रेंस वन टाइम देनी होगी और एनुअली आपको हर साल देनी होगी। लेकिन जो मेन मेंबर्स हैं जिसमें इसको ऑर्डिनरी मेंबरशिप के नाम से जाना जाता है उसके अंदर एंट्रेंस फीस 20,000 प्लस GST और एनुअल मेंबरशिप फीस 8,500 रुपीज़ की प्लस GST की फीस चार्ज होगी। दोस्तों इसमें एक ट्रेड कंट्रीब्यूशन भी आपको पे करना पड़ता है जो 2.5 रुपये पर कार्टून के हिसाब से चार्ज किया जाता है। और दोस्तों इसकी जो मेंबरशिप का जो टेन्योर है यानी वो टेन्योर किस तरह से चलता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का टेन्योर चलता है। और साथ में आपको जो मेंबरशिप है उसके लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको अप्लाई करने के लिए देने होंगे। अब बात करते हैं हम कुछ अदर इन्फॉर्मेशन की ऑर्डिनरी मेंबरशिप की। ऑर्डिनरी मेंबरशिप के अंदर क्या आपको इसको एलिजिबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्डिनरी मेंबरशिप है वही आपकी मेन मेंबरशिप होगी। इसके लिए आपको जो कैश करने हैं उनका 30 मैट्रिक टन यानी कि मिनिमम 2 कंटेनर एक्सपोर्ट करना रिक्वायर है। अगर आप कैश सेल लिक्विड में डील कर रहे हैं तो आपको 5 टाइम वेटेज देना पड़ेगा 30 मैट्रिक टन को वहाँ से पूरा कीजिए। और अगर कंज्यूमर पैक यानी छोटे रिटेल कंज्यूमर पैक में डील कर रहे हैं तो 15 टाइम वेटेज आपको 30 मैट्रिक टन का देना होगा। तो दोस्तों एक्सपोर्टर को जो भी है यानी अब जो मैट्रिक टन 30 है ये आप अपने कंटेनर वाइज किसी भी कंट्री में आपने एक्सपोर्ट किए होंगे सारे के सारे कवर होंगे। अगला जो लास्ट कंडीशन हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, इफ़ यू नॉट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन यू कैन टेक एक्शन। यस, अगर आपको लग रहा है कि आप इन कंडीशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसकी एसोसिएट मेंबरशिप को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट सपोर्ट्स की बात करें तो आपको पता है कि जनरली एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है कि जिस प्रोडक्ट के अंदर आप डील कर रहे हो उस प्रोडक्ट के लिए आपको प्रॉपर हर तरह से एक असिस्टेंस देना। अब दोस्तों ये असिस्टेंस एक मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस गवर्नमेंट की स्कीम है उसके माध्यम से भी हो सकती है, आपको एक्सपोर्ट के बारे में अवेयर करने से भी हो सकती है, आपको अदर कंट्रीज की गाइडलाइंस से संबंध में भी हो सकती है। और ये जो असिस्टेंस है वो आपको जो भी स्टॉल्स हैं गवर्नमेंट की असिस्टेंस वाले स्टॉल्स हैं उनके बारे में भी हो सकती है, आपको डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स के नोटिफिकेशन सर्कुलर और आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी को देके भी हो सकती है। ये असिस्टेंस आपको जितने भी एग्जीबिशन हैं जितने भी सेमिनार्स हैं और ई वेबसाइट जो आपकी सेमिनार्स होती हैं उनके थ्रू भी हो सकती है। साथ में आपके जितने भी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और आपके पेमेंट की सिक्योरिटी को लेके वो भी असिस्टेंस हो सकती है। यानी कि आपको अगर कोई भी असिस्टेंस चाहिए आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड आप इन RCMC से और इन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से डील कर सकते हैं। दोस्तों अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें थोड़ा सा मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें क्या डील है। जैसा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कैश्यूज और करेंसी तो इसके अंदर 65-70% जो एक्सपोर्ट है पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया ही इसको करता है क्योंकि ये इंडिया के अंदर जो इतने साउथ ईस्टर्न स्टेट हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। और जितने भी आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो कंट्रीज़ हैं यूके जापान नीदरलैंड ऑस्ट्रेलिया और जितने भी अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों तो ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट है, बिल्कुल आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। आपको लग रहा है आप कैश में डील कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको लीजिए। आपको ये RCM चाहे वो कैशू से रिलेटेड हो चाहे केमिक्स से यानी कि आप केमिकल से रिलेटेड हो या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी RCM की रिक्वायरमेंट हो तो दिए हुए आप नंबर हैं उन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपकी जरूर पंकज जी हेल्प करेंगे। और आपको अगर कोई भी टॉपिक पर डिस्कशन कोई भी कोई आपका व्यू है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, कोई क्वेरी है तो बिल्कुल जरूर आप भेजिएगा, मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपकी इसमें हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।